नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। आप देखते हैं क्वेश्चन आर भारत। अभी 2 दिन पुरानी बात है, आपको मैं सिर्फ न्यूज़ का आर्टिकल दे दूंगा। नीचे आप लिंक में पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में, और उसी में अटैच्ड वीडियो भी है जिसमें योगी आदित्यनाथ फैसिलिटेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के वॉर के टाइम 63 परिवारों को, हिंदू परिवारों को अभी तक कोई पूछा नहीं जा रहा था, और वो इधर उधर भटक रहे थे भारत के अन्य राज्यों में। उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुला के फैसिलिटेट किया है और उनको जमीन दी है और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर रहने को दिया है। ये न्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आप सुन के तय करिए अपने हिसाब से, क्योंकि इतने सालों से जब ये दर दर भटक रहे थे, जैसे कश्मीरी पंडित दर दर भटक रहे थे, 370 हटाने वाला कोई नहीं था। अब जब हट भी गई है तो कुछ लोग तो चले गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी तादाद में अभी भी भटक रहे हैं। उनको पूरा वे चाहिए, क्योंकि कश्मीर में अभी भी आतंक वैसे ही फैला हुआ है। दिन आप देख रहे हैं कि कोई भी मतलब पंचायत का कोई मार दिया जा रहा, मतलब वो मुसलमान होते हुए भी मार दिया जा रहा है। मगर टेरर का ये है कि वो देख नहीं रहे, उनको बस मारना है, किलिंग करनी है तो करनी है। तो अभी भी वहाँ पर किलिंग्स चल रही हैं, तो जब तक रास्ते क्लियर नहीं हो जाते, जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती, तब तक के लिए तो बिल्कुल बल्क में भेजना, उनको बसा देना और बिल्कुल ऐसा लगना कि जैसे कुछ हुआ नहीं था, ये माहौल क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती तब तक नहीं भेजा जा सकता। इस हिसाब से अभी भी वो लोग जो चाहते हैं वापस जाना, वो कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं, कहीं ना कहीं और अपने आप सर्वाइवल ढूंढ ही रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग ढूंढ रहे थे। तो अब फाइनली इनके साथ तो कुछ हो गया, इनको बसा दिया गया। ऐसे ही अन्य भी कई परिवार हैं जो भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आ चुके हैं, जो आना चाहते हैं। और आपको आए दिन न्यूज़ सुनने में आती होगी कि पाकिस्तान में किसी लड़की का रेप कर दिया गया, कन्वर्ट करने से मना कर रही थी तो जान ले ली गई, रेप करने के बाद उस लड़की ने खुद सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, मनीषा नाम की एक लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले एक और लड़की थी जिसको वो शादी करना चाहता था, मुसलमान युवक, वो भागी बच के, और कन्वर्ट भी करना चाहता था, फोर्स बहुत कर रहा था, तो भाग रही थी, उसको पीछे से गोली मार दी गई सरेआम। कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान में ये आम बात है। लेकिन वहाँ के बचे खुचे हिंदू अब चाहते हैं कि भारत सरकार बाहें खोल के उनको बुलाए, उनको पनाह दे, उनको रखे, और ये भारत का कर्तव्य है, दायित्व है। और आज़ादी के टाइम जब पार्टीशन हुआ था तो डील भी यही हुई थी कि वहाँ वाले पूरे यहाँ आएंगे और यहाँ वाले पूरे वहाँ जाएंगे, मतलब हिंदू पॉपुलेशन पूरी डिस्प्लेस होकर वहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी यहाँ से वहाँ जाएगी, तभी सफल होगा। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था। योगी जी का ये स्टेप बहुत सराहनीय है, मैं चाहता हूँ इस बात को आप सपोर्ट करिए और सरकारों से और मांग करिए कि जितने भी हिंदू हैं प्रताड़ित हो रहे हैं अन्य इस्लामिक स्टेट्स में, जो हमारे अगल बगल हैं, जो हमसे ही निकल के बने और आज इस्लामिक बन गए, तो वहाँ सेकुलरिज्म का कोई बोलबाला नहीं है। और जब यही लोग यहाँ होते हैं तो उनको पूरा सेकुलरिज्म चाहिए होता है। खैर, आज हम इनकी हिपोक्रेसी पर बात नहीं करेंगे, आज हम सरकार को अप्रिशिएट करेंगे और इस न्यूज़ को शेयर करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।